जो कह रहे हैं अपने अंदाज में। कामरान जी, क्या लगता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं उसमें दम है? देखिए, पहले चरण के 58 सीटों के रुझान भाजपा विरोधियों से लेकर भाजपा समर्थक तक, आप किसी से भी बात करेंगे, अगर आगरा और अलीगढ़ ना होता तो एक तरह से गठबंधन ने स्वीप कर लिया था। ये प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी तक सब सबको पता है, भाजपा समर्थक से लेकर भाजपा विरोधी तक सब इस बात को मान रहे हैं। आगरा और अलीगढ़ क्षेत्र में आकर कहीं भाजपा खुद को संभाल पाई है थोड़ा सा। अब इसमें मोमेंटम अगर भाजपा लूज कर जाती है तो दूसरे चरण तक तो वैसे भी गठबंधन का पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि दूसरे चरणों में भी अगर आप देखेंगे जो सीटें हैं, अमरोहा की हो गई, सहारनपुर की हो गई, उन सीटों पर एक तो इमरान सहारनपुर की सातों सीटों पर इमरान मसूद का भी एक खास इम्पैक्ट रहता है। रामपुर की सीटों पर अगर आप देखेंगे तो आजम खान साहब का बड़ा खास इम्पैक्ट रहता है। तो दूसरे चरणों में भी एक तरह से अगर आप देखेंगे तो बरेली और शाहजहांपुर छोड़कर पूरी तरह से गठबंधन स्वीप करने की पोजीशन में है। अब अगर ये अभी से अपनी हार को कंसीड कर देंगे तो तीसरा चरण जहां से अवध रीजन और कानपुर ये सब आना शुरू होगा प्ले में, फिर ये वहां से संभल नहीं पाएंगे, मोमेंटम पूरी तरह से लूज कर जाएंगे। तो इनको अपने विरोध अपने समर्थकों के बीच में, अपने कैडर के बीच में एक ऐसी हवा बनाए रखनी पड़ेगी कि ये अभी फाइट में है, वरना आज से 2 महीने 3 महीने पहले अगर हम चले जाएं तो हम सभी लोगों ने ये मान रखा था कि एक तरफा चुनाव होगा। लेकिन जिस तरह से आप देखिए अखिलेश यादव ने जो एक सोशल इंजीनियरिंग की है, केशव देव मौर्य वगैरह को जोड़ना, ये छोटे छोटे दलों का अगर आप देखेंगे कोई वर्चस्व नहीं है, लेकिन इनको जोड़ने से एक मैसेज, एक सिंबल जाता है कि इस समाज को आप इज्जत दे रहे हैं, इस समाज को आप सम्मान दे रहे हैं। उससे उस समाज के अगर 1-8% वोट भी आपकी तरफ आता है तो इस बार कम से कम 160 से 170 सीटों पर मार्जिन 2 से 3% के अंदर रहने की उम्मीद है, तो वो किसी भी तरफ जा सकता है। और तीसरे चरण को अगर भाजपा तीसरे चरण से ढीली पड़ गई तो फिर मोमेंटम पूरी तरह से गठबंधन की तरफ चला जाएगा। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, पहले चरण में अलीगढ़ और आगरा को, अगर अलीगढ़ और आगरा कमरान रिजवी जी के अनुसार अलीगढ़ और आगरा ने थोड़ा बहुत बीजेपी को संभाल लिया है, वरना पूरा का पूरा स्वीप था गठबंधन के लिए। लेकिन क्या यही, और ये बात जैसा कमरान रिजवी जी कह रहे हैं कि ये बात ना सिर्फ भाजपा विरोधियों को बल्कि भाजपा के आला नेताओं को भी पता है, इसलिए प्रधानमंत्री बार बार जो बातें कह रहे हैं वो मोमेंटम को अपनी पार्टी जो है उसके नेताओं को संभालने के लिए, उनमें थोड़ा जोश भरने के लिए ऐसा कह रहे हैं। लेकिन क्या ये जोश उनमें, उनके होश को जो अब तक उड़ा चुका है, वो होश को वापस लाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन